नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं वास्तुशास्त्री की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में वास्तुशास्त्री की योग्यताओं के बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो मेनली हम मैं मतम से लेंगे कि वास्तुशास्त्री की योग्यताएँ क्या होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र वास्तुकला और भवन का शास्त्रीय ज्ञान है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और भवन निर्माण कला यानी सिविल इंजीनियरिंग, और फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी इसी में इंक्लूड है। इंटीरियर डेकोरेशन बाद में आता है, पहले मकान बनाना। तो सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले तो मैं मतम से लेता हूँ। मैं मतम के 5वें अध्याय में मिलता है हमें स्थपति स्थापना अर्ह। तो स्थपति जो मास्टर आर्किटेक्ट है उसी को कहते हैं स्थपति। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। तो जिसको स्थापना आती हो, मतलब भवन निर्माण कला में एक्सपर्टीज हो जिसकी, सर्वशास्त्र विशारद है, सभी प्रकार के शास्त्रों में जो एक्सपर्ट हो, न हीनांगो अतिरिक्तांगो, जिसके अंग पूरे हों, ना कम अंग हों शरीर के ना ज़्यादा हों, धार्मिकस्तु दयापरः, जो धार्मिक हो दयालु हो, अमात्सर्यो अनसूयश्च, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, अतंद्रित मतलब जो आलसी ना हो, स्फूर्तिवान हो, अभिजातवान मतलब जो योग्य है या अभिजात्य है, गणितज्ञ अलग से दिया है, गणितज्ञ गणित जानने वाला, पुराणज्ञ वास्तु के पुराने जो ऋषि महर्षि हुए हैं उनके बारे में जानकारी रखने वाला, सत्यवादी सच बोलने वाला, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, चित्रज्ञ मतलब जो रेखाएं खींचना जानता हो, ड्राइंग बनाना जानता हो, सर्वदेशज्ञ देश काल की जानकारी रखने वाला, अन्नद अन्न देने वाला मतलब उदार, च अलुब्धक जो लोभी ना हो, अरोगी जो बीमार ना हो मतलब स्वस्थ हो, च अप्रमादी अहंकारी ना हो, च सप्त व्यसन वर्जित जो सात व्यसनों से सात दुर्गुणों से दूर हो, ये मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, सुनामा जिसका अच्छा नाम हो, जिसका नाम दूर दूर तक फैल चुका हो, इन्हें गुड मैनर, दृढ़ बुद्धिश्च जिसकी बुद्धि दृढ़ है मतलब जिसने जो बात कह दी उसका पालन करता है और सोच समझ कर कहता है, वास्तु विद्याबधि पारगह जिसने वास्तु विद्या रूपी समुद्र को पार कर लिया है। तो अब इन सब का डिटेल में मैं बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जो ये क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं वास्तुशास्त्री की, इसको हम चार भाग में डिवाइड करके फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है इसमें फिजिकल आउटलुक, शारीरिक दृष्टिकोण, शरीर कैसा है, तो उसमें क्या है, हीन अंग या अधिक अंग ना हो, मतलब पूरे अंग हो, क्योंकि मान लो अगर एक अंग हाथ नहीं है तो वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूरी है, ठीक है, इस तरह से, या फिर मकान पैर नहीं है तो मकान में ऊपर नीचे आना जाना है, साइड पे जाना है तो उसमें मुश्किल आएंगी, आलस्य रहित हो, स्फूर्ति से भरा हो और अच्छा स्वास्थ्य हो, तो ये सब अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आइए दूसरा, इनर क्वालिटीज़, आंतरिक गुण। आंतरिक गुण कौन कौन से कहे गए हैं, धार्मिक है, दयालु होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष रहित हो, सत्य बोलने वाला हो, स्पष्टवादी, जो बात सही है वो कह देनी चाहिए, वहाँ मान लो कोई फिजिबल नहीं है, कुछ चीज़ बन नहीं पा रही तो बता देना चाहिए उसको कि कितने मंजिल बन पाएंगी, ज़मीन कितना लोड ले सकती है, इस तरह की बातें। अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, उसे उदार होना चाहिए, लालच रहित होना चाहिए, अभिमान रहित होना चाहिए, ये सब बातें। फिर सात दुर्गुणों से परे, तो ये सात दुर्गुण कौन है, सप्त व्यसन कहा गया, अर्थशास्त्र में मिलते हैं ये। उसमें पहला है अपशब्द बोलना, मतलब वर्बल इंजरी, किसी को अपने वाणी से बातों से आघात पहुंचाना, हिंसा करना, ये भी बुरा माना गया। फिर किसी की आजीविका या पैसा मारना, इसको अर्थ दूषण कहा गया, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा शारीरिक चोट पहुंचाना किसी को, फिजिकल इंजरी, ये भी ख़राब है। चौथा शिकार खेलना, फिर जुआ खेलना, पराई औरतों से संबंध रखना और शराब पीना, ये सात दुर्गुण कहे गए हैं, तो ये वास्तुशास्त्री में नहीं होने चाहिए। और क्या है इसी में ही, अच्छे नाम वाला हो, मतलब उसके बारे में कोई बुरी बातें सुनने में ना आए, ठीक है, उसका
अपने फील्ड में बढ़िया नाम होना चाहिए। आप देखो नाम की वजह से लोग चीज़ें खरीदते हैं, किसी को हायर करते हैं। स्थिर बुद्धि वाला हो, अध्यवसायी, ये भी कह सकते हैं अध्यवसायी, स्टेडफास्टनेस, लगे रहे अपने काम में, तो विचारों और कार्यों में सातत्य होना चाहिए। मतलब अपने विचार जो उसने कहे उसको निभाने वाला हो, इसी तरह काम जो हाथ में लिया है उसको पूरा करे, योग्य होना चाहिए। कुलीन या संभ्रांत की जगह हम कह सकते हैं योग्य होना चाहिए। ओके, पुराने टाइम में जाति और वंश, कुल खानदान पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि अभी जो एक वास्तुशास्त्री है उसी के कुल के लोग वही काम करते रहते थे, लेकिन आजकल जिसके पास योग्यता वो कोई भी बन सकता है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है अब एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, किताबी ज्ञान जिसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्थपति स्थापना रह, स्थापना की जानकारी हो उसे, मतलब भवन का निर्माण कार्य उसे आता हो, उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। और वो किसको होगी, जब आपने आर्किटेक्चर की डिग्री ले रखी है, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की, इंटीरियर डिजाइनर हो आप, तब जानकारी होती है असली। तो फिर स्पेशली कहा है गणितज्ञ, गणित जानने वाला, क्योंकि सारी कैलकुलेशन होनी है, मकान में ऊपर से कितना लोड आएगा, नीचे पिलर का साइज क्या होना चाहिए, कितने सरिए, कितनी मोटाई के, बीम का डिज़ाइन सब पूरा। मैं तो सिविल इंजीनियर खुद हूँ, तो हम स्टैड 3 से डिज़ाइन करते थे, मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में था पहले। तो ये सब चीज़ तभी हो पाएंगी जब आपको गणित आता हो, तो गणित जानने वाला हो, सभी विद्याओं में निपुण। फिर आगे कहा सभी विद्याओं में निपुण, अभी यहाँ पे सभी विद्याएं कह दी और गणित अलग से भी कह दिया देखो, और भवन निर्माण कला अलग से कह दी। तो सभी विद्याएं, तो इतनी विद्याएं हैं सारी कोई जान ही नहीं सकता, तो सभी विद्याओं का यहाँ मतलब है जो विद्याएं भवन निर्माण कला में उपयोग होंगी। तो थोड़ा बहुत बताता हूँ, पहला शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी हमारी, क्योंकि शरीर के हिसाब से सारा डिजाइन होता है। एक कहते हैं ना फॉर्म फॉलोज फंक्शन, तो हमारे शरीर का जो साइज है उसके हिसाब से बेड डिज़ाइन होगा, उसके हिसाब से चेयर डिज़ाइन होगी, उसके हिसाब से मोबाइल डिज़ाइन होगा, सब चीज़ें। तो फिर मानव मनोविज्ञान, अब हमारा जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से कि राइट टर्निंग स्टेयर केस होनी चाहिए जी, ठीक है ना। फिर इवन सूर्य उदय किधर हो रहा है, सूर्य अस्त कहाँ हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट उस जगह का, तो ज्योग्राफी, फिजिक्स की जानकारी ज़रूरी है, भौतिक शास्त्र की, उसमें इस तरह साउंड, ध्वनि, मकान को ध्वनि रोधी बनाना है, साउंड प्रूफ, हीट की जानकारी होनी चाहिए, ताप की, मकान में किधर से ज़्यादा हीट आ रही है, किधर से कम आ रही है, ताकि उसका उपयोग हो सके। फिर लाइट की जानकारी, मैग्नेटिज्म, धरती का चुंबकत्व, उसी के हिसाब से हम सिर रखते हैं अपना, कि जी दक्षिण में रखो या पूर्व में, बढ़िया है। तो इन सब की जानकारी उसे होनी चाहिए, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की। फिर ज्योतिष का ज्ञान, मुहूर्त शास्त्र खासकर, होरा शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, के कब खुदाई करें, मकान बनाने ही कब शुरू करें, खुदाई किस मुहूर्त में की जाए, फिर पहली चौखट जो लगेगी वो कब, मकान के अंदर एंट्री करनी है, तो ये सब इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है। ज्योतिष बहुत गहरे से जुड़ा है वास्तुशास्त्र से, और विश्वकर्म प्रकाश में तो आधा ज्योतिष ही भरा पड़ा है। फिर पेड़ पौधों का ज्ञान होना चाहिए, आसपास देखिए पेड़ पौधे कौन से शुभ हों, कौन से अशुभ हों, ताकि हम शुभ पेड़ पौधों का मकान के आसपास प्रयोग कर सकें। आजकल जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर वगैरह का भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि पूरी मकान की इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करानी है, मैकेनिकल का काम है, लोहे का गेट बनवाना है, लोहे की मान लो आपने चौखट बनवानी है, टर्माइट प्रॉब्लम है, या फिर मशीन रूम ऊपर रखा जाएगा, आपने लिफ्ट लगवानी है, तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप गैजेट्स आपके पास ऐसे ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रहा है पूरा घर, आप अपनी गाड़ी में घर पर आते आते ही रास्ते से स्विच ऑन कर देते हो गीजर को, अपने एसी को, ताकि जब तक आप घर पहुंचे रूम ठंडा मिले। तो इन सब की भी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। फिर आगे क्या कहा है, पुराणज्ञ, पुराणज्ञ क्या है, वास्तु के प्राचीन लेखकों की जानकारी होनी चाहिए उसे, उन्होंने क्या कहा, किस मामले में क्या रिकमेंडेशन है उनकी। पुराने कुछ जिस तरह ऋषि महर्षि हुए हैं वास्तु से संबंधित, वो भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, यम, नारद, शुक्र, बृहस्पति, कश्यप ऋषि, अगस्त्य, सनत कुमार, मैं, विश्वकर्मा, वराहमिहिर, राजा भोज, ऋषि वशिष्ठ का मैं पहले, उनकी रिकमेंडेशंस मेन डोर के बारे में क्या हैं वो पहले पोस्ट कर चुका हूँ। महमतम में मैं नाम के दानव थे, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ है, इतनी साइंटिफिक बातें उसमें लिखी हुई हैं। फिर आगे क्या कहा, चित्रांकन कला आती हो, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्रॉ करना जानता हो, जब तक मकान का नक्शा नहीं बनेगा कैसे पता चलेगा आगे
कहाँ क्या स्पेस अरेंजमेंट कैसे होगा। फिर आगे क्या कहा है, तो चित्रांकन कला तो कह दिया, लेकिन चित्रांकन में पेंटिंग भी हो सकती है, तो पेंटिंग मेनली इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। ओके, मेन है इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर आगे क्या कहा है, वास्तु विद्या रूपी सागर जिसने पार कर लिया हो, मतलब सभी कठिन प्रश्नों के उत्तर पा लिए हो, ऐसे व्यक्ति से कुछ भी पूछा जाए उसके पास हल होना चाहिए, उसके पास आंसर होना चाहिए कि भाई, क्योंकि देश काल पत्र जिस तरह ज्योतिष में लगाते हैं ना, इस तरह वास्तु में भी लगाते हैं, प्लेस टू प्लेस, हर एक बिल्डिंग यूनिक बिल्डिंग होती है अपने आप में, उनकी कभी भी नकल नहीं मारी जाती। पेट्रोनस टावर की नकल नहीं मारी गई, कुतुब मीनार की कभी नकल नहीं हो पाई। इस तरह आप देखो ताजमहल है या और दूसरे भवन है, कोई भी प्राइम बिल्डिंग है उसकी ऐसे नकल नहीं मारी जाती कभी। तो उस वक्त में उसकी खासम खास प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे। जिस तरह लोटस टेम्पल दिल्ली में था तो उसकी स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ी हो पा रही थी, उसके लिए फिर हल खोजा गया। जिस कंपनी ने बनाई थी उसको घाटा हुआ उसमें, लेकिन उसका नाम हो गया, पैसे नहीं मिले लेकिन नाम मिल गया उसको, पॉपुलैरिटी हो गई कि इस कंपनी ने बनाया। फिर आइए चौथा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यावहारिक ज्ञान। हम वास्तुशास्त्री की योग्यताएं जो मैं मतलब में बता रखी है उनको अब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या कहा है, पूरे देश से परिचित हो, मतलब देश का मतलब स्थान, जगह, उस जगह से परिचित हो, उस जगह से वाकिफ हो। सो द पर्सन शुड बी कन्वर्सेंट विद द लोकेलिटी, वहाँ की ज़मीन की ढलान क्या है, लैंड स्लोप, अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है, भूमिगत जल कितनी गहराई पे अवेलेबल है, क्योंकि वो भी चाहिए, नीचे की मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, सॉयल टेस्टिंग होती है, सॉयल इन्वेस्टिगेशन, सिविल इंजीनियरिंग में हमें पूरा सब्जेक्ट था सॉयल इंजीनियरिंग। फिर वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, किन महीनों में होती है, अर्थक्वेक, भूचाल, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है क्या है, जिस तरह दिल्ली में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, बॉम्बे में नहीं है प्रॉब्लम इतनी, भूचाल, उसके बाद आंधी तूफान है, वायु की गति क्या होती है वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स हैं, बाढ़ हैं, ये सब की जानकारी होनी चाहिए उसको। नहीं तो बना लिया सब नदी के किनारे या समुद्र के किनारे और पहली बाढ़ में बह गया, वो क्या फ़ायदा हुआ, लोग उसको क्या आशीष देंगे, हर कोई कोसेगा जिसने बनवा दिया ऐसी जगह पे। बिल्डिंग मटेरियल की जानकारी वो भी इसी में आती है, आसपास में कौन सा बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पे लोगों को कौन सा सूट करता है। जिस तरह पहाड़ों में पत्थर या लकड़ी का ज़्यादा यूज़ होता है, आप देखो यहाँ चिकनी मिट्टी अवेलेबल है तो ईंटों का यूज़ हो जाता है, जहाँ पत्थर है राजस्थान में आप देखो पत्थर है तो पत्थर का यूज़ हो रहा है, छत पे कोई वहाँ पे आरसीसी का लेंटर थोड़ा डालते हैं, सीधा पत्थर की टुकड़ी रख देते हैं। ठीक है, तो लोगों का रहन सहन वहाँ कैसा है उसके हिसाब से भी उसको अपने नक्शा तैयार करना पड़ेगा। ये सब की जानकारी होनी चाहिए वास्तुशास्त्री को, और अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं मतलब ग्रंथ में लिखा हुआ है, बस मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, 25 साल मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है। बिल्डिंग बायलाज की जानकारी है उसे, बिल्डिंग बायलाज, वहाँ कितनी मंजिल बनाना अलाउड है, कितना कवरेज अलाउड है, प्लॉट है, जरूरी नहीं 100% वो कवरेज अलाउड हो वहाँ पे। स्थानीय भवन निर्माण से संबंधित सरकारी नियम कायदे कानून सबकी जानकारी होनी चाहिए उसको। फिर आजकल अगर संस्कृत भाषा का ज्ञान है उसे तो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वास्तुशास्त्री को, क्यों, क्योंकि संस्कृत में टेक्स्ट अवेलेबल है सारे वास्तु के पुराने, अगर उसे संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो वो जो उसमें अनुवाद पहले से अवेलेबल है वही वो मान लेगा, जबकि अनुवाद ज़्यादातर गलत हैं बहुत जगह पे। मैंने BA भी की हुई है, संस्कृत भी पढ़ी हुई है BA लेवल तक, तो मुझे पता है बहुत सारी गलतियाँ हैं। इवन मैं मतलब में जो ब्रूनो डेगेंस की अनुवाद किया हुआ है अवेलेबल, उसमें भी गलतियाँ हैं। तो अगर आपको संस्कृत आती है तो बहुत बढ़िया, अब आप अपने आप समझ जाइए कि आज की डेट में जो इतने सारे वास्तुशास्त्री बने बैठे हैं हजारों की संख्या में, तो वो रियल में इसके लायक हैं या नहीं। तो मेन चीज़ें मैंने बताई आपको, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ज्योतिष, संस्कृत भाषा और बहुत सारी और बातें, फिजिक्स, वहाँ का एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड सो मैनी अदर थिंग्स। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।